सदन का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं माननीय। माननीय, हम महिलाएं आज बहुत बड़ी संख्या में संसद के अंदर हैं और मैं खुद एक सामान्य परिवार में जन्म ली हूँ। उसके बाद अपने पिताजी के संघर्षों के माध्यम से मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हूँ। मैं बहुत भली भांति इस चीज का एहसास कर सकती हूँ माननीय कि महिलाओं पर, चाहे वो सामान्य परिवार की हो या किसी राजघराने की हो, राजनीतिक परिवार से हो, उसके ऊपर समय समय पर टीका टिप्पणी होती रही है। पहले भी हमारे तमाम महापुरुषों ने भी महिलाओं के हक और सम्मान के लिए लड़ा है। आज माननीय मैं इसलिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ कि कल जो सदन में हुआ है, हमारे बीच की ही एक सांसद जो पीठासीन सभापति के रूप में बैठी थी, माननीय उन पर जो कमेंट किया गया है, अशोभनीय शब्द का जो प्रयोग किया गया है, माननीय सांसद को उसके लिए क्षमा मांगना पड़ेगा। माननीय, उन्होंने इस्तीफे की बात की है, हमें इस्तीफे से नहीं मतलब है, हमें क्षमा चाहिए, उन्हें माफी मांगना होगा। माननीय आकर के सदन में सर उस कुर्सी का भी आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय, मेरे 7 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आज तक किसी पुरुष ने इस प्रकार की किसी भी सदन में हिमाकत नहीं की। ये विषय महिला का नहीं है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुरुषों ने अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकाल में महिला के संरक्षण के लिए, सम्मान के लिए आवाज उठाई है। लेट अस नॉट रिड्यूस इट टू अ विमेन्स प्रॉब्लम। दिस इज अ ब्लॉट ऑन ऑल लेजिस्लेटर्स इंक्लूडिंग मेन सर। यस, दिस इज नॉट अ हाउस वेयर मेन कम इन ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए। And what was repugnant was that our leader stood in solidarity with the left. My appeal to you, sir, irrespective of our political differences, the entire nation watched yesterday. कैसे ये सदन शर्मसार हुआ? इस सदन में बातचीत प्रिविलेज होती है? अगर महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी सदन के बाहर होती तो वो पुलिस का संरक्षण मांगती और उसे मिलता। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का बिल इसी सदन ने पास किया और हम चुपचाप बैठकर महोदय मुखदर्शक नहीं बन सकते। मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन को मेरी अपील है, ये मैसेज भेजें कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन का प्रिविलेज मिसयूज नहीं होगा एक महिला का अपमान करने के लिए। महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, यहाँ आपका है। मैं अपील करूंगी इस सदन में पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के, हमें एक स्वर में बोले, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट बट जस्ट ड्रामेटाइजिंग इट एंड सेइंग मैं रिजाइन कर दूंगा, या आपको गलत फहमी हुई है। सर ये बात बड़ा नहीं विरोध करते हैं सर, हम लोग कोई विरोध नहीं करते हैं सर, कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हो सर, हमें भी तो कुछ बोलना है। जब ये विषय उठा था सर तो मैं सदन में था सर, जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया मैंने उसी समय आपत्ति किया। माननीय रमा जी बहुत ही सुलझी हुई आदरणीय नेता हैं, महिला अपनी जगह पर है और बहुत वरिष्ठ हैं, वो सदन की कुर्सी पर है और जैसे शब्दों का प्रयोग किया वो इतने शर्मिंदगी भरे थे कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूँ। या तो माफी मांगे अथवा उनको सदन से अंदर आने पर सस्पेंड किया जाए, ये हम मांग करते हैं, ये हमारी मांग है। अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी पहले आप बोलना सर। बात यह कि सर हिंदुस्तान में जोग जोग हम महिला को मां की रूप से हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, सदन के अंदर नहीं, सदन की बाहर कहीं भी, सारे दुनिया में कहीं भी अगर महिला के ऊपर कोई असन्मान होते हैं, कोई अशोभन होते हैं,